नमस्कार, मैं अवधेश मिश्रा, आप सब देखते रहिए भोजपुरी बातें बातें। फिल्म का आज गोरख किया गया है जिसमें उदारी बाबू जो बहुत अच्छे डांसर है लेकिन एक्टिंग की शुरुआत कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में और फिल्म के बारे में? पहले तो उधारी के बारे में बोलूं कि उधारी को मैंने पहली बार देखा था किसी मंच पे और उसके डांस एक्ट को देखा था। मैंने पूछा था कि ये कौन है, तो लोगों ने बताया उधारी करके है। उससे मैं इतना प्रभावित हुआ था कि मैंने बोला था कि इसको हीरो बनना चाहिए और मैंने अपने लेवल पे कोशिशें भी करी कि कुछ डायरेक्टर्स को बोलूँ कि यार इसको लेकर फिल्म बनाओ और आज किस्मत ने उसको हीरो बना के भेजा है और मैं उसमें उसके पिता का ही किरदार निभा रहा हूँ। एक बाप बेटे की जो केमिस्ट्री है उसको चरितार्थ करने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस ट्रैक पे आजकल फिलहाल मैं चल रहा हूँ उसी की एक उत्कृष्ट श्रृंखला में ये कैरेक्टर भी आता है। तो बस समझिए कि उधारी और मेरा एक पिता पुत्र का फाउंडेशन कैसा होता है ये फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। अभी तो फिलहाल शूटिंग होनी है। मैंने उनके साथ कभी किया नहीं है लेकिन डायनेमिक पर्सनालिटी है। बस सबसे पहले तो चेहरा मन का दर्पण होता है, वो वहाँ लगता है कि इसमें कुछ पोटेंशियल है। तो उनके लिए तो बस ये बोलूँगा कि दुआ दूंगा कि निश्चित तौर पे इस फिल्म से जुड़े हैं, एक अच्छी फिल्म सुदृढ़ फिल्म बनने जा रही है। इसके निर्देशक अच्छे हैं, इसकी निर्मात्री हैं तुलीप सिंह जी, सुनील जी इसके उनके प्रोड्यूसर पार्टनर हैं। तो इन लोग को मिल करके जितनी अच्छी सोच के साथ एक निर्माता निर्देशक फिल्म बनाने की कोशिश कर रहा है, लगता है कि सब चीज़ सही होगा, अच्छा ही होगा। आदित्य को बहुत 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 ज़्यादा बधाई हो इस फिल्म के लिए। उधारी को तो पहले से जानता था मैं, उनको अच्छी तरह से नहीं जानता था, जाना कि एक अभिनेता के रूप में इसमें हमारे सामने है वो। कई हिट गाने दे चुके हैं रामदेव जी, अब एज अ डायरेक्टर वो आ रहे हैं, आपको लगता है कि एक अच्छे कोरियोग्राफर के बाद अब एक अच्छे डायरेक्टर साबित होंगे? नहीं, रामदेवन पहले भी डायरेक्टर बन चुके हैं। एक फिल्म थी हमारी काली, इसके निर्मात्री भी तुलीप जी ही थी। वो काली तकरीबन बन ही चुकी है लेकिन किसी कारणवश वो फिल्म रिलीज नहीं हो पाई है। विनय आनंद जी थे, मैं था उसमें, विलन था मैं। रामदेवन उस फिल्म को ही निर्देशित कर रहे थे और रामदेवन और मैं एक साथ हम लोग एक फिल्म से हमने भोजपुरी इंडस्ट्री में करियर शुरू किया था, दुल्हाई सिंचाई से। और तब से मैं रामदेवन जी को देख जितना देख रहा हूँ, एक नृत्य निर्देशक के रूप में उन्होंने जो कीर्ति स्थापित किया है, उनके तमाम गाने तकरीबन हिट ही हुए हैं। तो जो उसमें भी नृत्य निर्देशक ही बोला जाता है, केवल नृत्य हटा दीजिए और ये डांसिंग फिल्म है एक तरह से। इसमें स्क्रिप्ट लेवल पे है कि उधारी जो हीरो बनता है एक डांसर हीरो बनता है, तो उसके लिए सबसे उपयुक्त वो निर्देशक हैं, इसलिए उनको इस फिल्म में रखा गया है। सर, पोस्टर में उपासना भी मुझे दिख रही है, काफ़ी समय बाद वो शायद भोजपुरी फिल्म करने जा रही हैं। नहीं, पहले भी इन्होंने बहुत किया। नहीं, काफ़ी समय बाद भोजपुरी करने जा रही है वो, पहले तो बहुत सारी फिल्में की है उन्होंने। तो क्या उनके बारे में क्या बोलूँ, अच्छी अभिनेत्री हैं। आपने किया है उनके साथ? हाँ, मैंने कई फिल्में किया है, गुदगुदी हैं वो। एक केसी बुकाड़िया की फिल्म मैंने किया था, तो पवन जी थे उसमें हीरो, मैं विलन था, मोना जी थी, उपासना जी थी, और भी कई सारी फिल्में की हैं। तो बड़ी अच्छी अभिनेत्री हैं जिन्होंने बहुत, जिस भाषा में इन्होंने काम किया उसमें उन्होंने प्रूव किया है। तो इनके बारे में कहना क्या है, आएंगे तो फिल्म में कुछ इंटरटेनमेंट अपना पोर्शन ही देंगे और अच्छा, एक अच्छे लोग जब अच्छे किरदार जब जुड़ते हैं, अभिनेता जब अच्छा मिल जाए तो अच्छा ही होता है। इसमें तमाम जुड़े हुए जो अभिनेता हैं सब अच्छे हैं, जो चाहे इसमें हमारे कोई एक्टर में सुशील जी हैं, संजय पांडे हैं, हमारी जो अपोजिट हैं वो अनीता रावत जी हैं जिन्होंने कई फिल्में मेरे साथ किया है, तकरीबन 8-10 फिल्में हो गई हैं उनकी। एक बहुत ही मजबूत अदाकारा इस इंडस्ट्री की हैं वो, एक चारित्रिक किरदार में जितना परिपक्व हैं उन्होंने, जितने तरह के अभी वेरिएशन वाले किरदार निभाए हैं, तो एक अच्छे कलाकारों के साथ काम करने का एक आनंद आता है। तो मैं भी बड़ा खुश हूँ कि सारे जितने भी सपोर्टिंग एक्ट्रेस हैं सब बड़े मजबूत हैं, सब बड़े सुदृढ़ हैं, अच्छे हैं, तो सिनेमा का रुख अच्छा ही होने वाला है। म्यूजिक को कितना महत्व दिया है? यही रिलेटेड फिल्म है, नृत्य और संगीत से रिलेटेड है, तो म्यूजिक को
पूरी तरह से महत्व दिया गया है और इसलिए दिन रात म्यूजिक डायरेक्टर बैठे भी रहते हैं, उस पर मंथन करते रहते हैं। श्याम देहाती और आज़ाद दोनों मिल करके, वो बड़े अच्छे लिरिक्स राइटर दोनों रहे हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी फिल्मों में अच्छे अच्छे गाने दिए हैं और ये दोनों जब म्यूजिक वर्ल्ड में आए हैं तो जो भी फिल्में वो लोग कर रहे हैं बड़ा तहलका ही है, उनके सारे एल्बम सारे गाने तो वो लोग इसमें संगीत दे रहे हैं तो अच्छा ही दे रहे हैं, गाने बड़े अच्छे हैं, कोरियोग्राफी इसकी रामदेवन खुद ही इसके निर्देशक हैं तो कोरियोग्राफी अच्छी होगी। परफॉर्मर जितने मैं देख रहा हूँ हमारे सीनियर हैं सुशील सिंह जी वो भी हैं, संजय पांडे हैं बड़ा अभी सशक्त विलेन है वो हैं, और उधारी है ही एक अच्छा डांसर अनिता रावत जी हैं, हीरोइनों में शायद अभी चयन किनका हुआ है पोस्टर पे तो कौन कौन देख रही हैं, सनी जी के साथ मैंने काम नहीं किया इसलिए नहीं बोलूँगा, लेकिन हीरोइनों का चयन अभी बचा हुआ है, दो हीरोइनें हैं अब जिनका हो जाए बहुत डिटेल जानता नहीं हूँ, आज तो मुहूर्त के दिन में आया हूँ, जो भी होगा अच्छा ही होगा, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसे किरदार को लोग ले लेंगे, खुद ही बहुत सोच समझ के तुलीप जी इस फिल्म को बना रही हैं निर्माण कर रही हैं। रामदेवन के करियर में ये दूसरी फिल्म है, पहली तो रिलीज नहीं हो पाई इसलिए मैं कह सकता हूँ पहली फिल्म है, तो वो भी फूक फूक कर कदम बढ़ा रहे हैं, तो सारे किरदार जब अच्छे हैं तो हीरोइनों का चयन भी अच्छा होगा। मेरी फिल्म अभी रिलीज पे तो राज तिलक है और रिलीज की बात कुछ नहीं है, क्या आने वाले कौन-कौन से पत्थर के सनम है, मेरी जंग है, प्रयागराज है और किस किस फिल्म का नाम लो मैं भूल रहा हूँ, क्या पूछ रहे हैं आप, पाकिस्तान क्या रखना चाहेंगे, ये गुजरात में ही कहीं रखेंगे जो नियर अबाउट मुंबई, इसमें 40% कहानी तो मुंबई की है, जब वो हीरो हीरो बनने आता है तो मुंबई में कहानी शिफ्ट जब होगी तो मुंबई में ही होगी, बाकी 60% जितने विलेज के पोर्शन हैं वो मेरे ख्याल से गुजरात में ही उसको तय किया गया है, जहाँ अच्छे लोकेशन हैं, गुजरात एक तरह से भोजपुरी का एक दूसरा उत्तर प्रदेश बिहार बन चुका है, तो वहाँ पे हमने भी कई फिल्में की हैं और काफ़ी हिटेड फिल्में, मेहंदी लगा के रखना भी वहीं बनी थी हमारी, सेहरा बांध के आऊँगा भी वहीं बनी थी, तो गुजरात कहीं ना कहीं से हम भोजपुरी वालों के लिए एक अच्छी जगह है, पॉजिटिव जगह है, तो वहीं पे इस फिल्म की जो विलेज पोर्शन से वहीं शूटिंग की जा रही है, बाकी जो शहर का है वो बॉम्बे ही है। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।